देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक 2, 3, 6 है तो ओए की दिक को जाएं ज्ञात करो जहां ओ मूल बिंदु है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं, माना मतलब ए बराबर अपने पास दिया है, ए बराबर दिया है और दिक को ज्ञात पूछ रहा है। माना बिंदु बिंदु ए के निर्देशांक 2, 3, 6 है, तो ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 6। पूछ रहा है दिक को ज्यां ज्ञात कीजिए जहां ओ मूल बिंदु है। लिखो दिक को ज्यां बराबर दिक को जाए बराबर दिक को जाए का फार्मूला तो हम लोगों को पता ही क्या होता है। देखिए एक बार फिर लिखे दे रहे हैं, एल बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार एम बराबर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन बराबर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए का मान हमारे पास है 2 बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 2/4, 9 और 36। ये हो गया 36 और 4 40, 9 49, 49 ये आ गया 2/7। इसी प्रकार इसका निकाल लो, 3/4 प्लस 9 प्लस 16, 16 4 20 9, 36 होगा, सॉरी 36 हुआ, 36 4 40 9 49, ये 3/49, ये आ गया 3/49, 3/7, ये 6/4, 9, 36, तो 6/7। अतः दिक को ज्यां बराबर दिक को ज्यां बराबर 2/7, 3/7, 6/7 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 2, 3, 5 तथा 1, 3, 2 है तो रेखा ए बी की दिक को ज्यां ज्ञात कीजिए। दिक को ज्यां पूछ रहा है, 2 दिया है और कोज्यां का फार्मूला तो हम लोगों को पता है क्या होता है। अभी हम लोग कोज्यां निकाल के लाए हैं, ये होता है दिक कोज्यां का फार्मूला, एल बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे पहले तो हमें ए और बी की मान चाहिए, ठीक है, और
दो ए और बी के निर्देशांक भी दिए हैं। चलिए माना माना निर्देशांक ए व बी के निर्देशांक, माना ए व बी के निर्देशांक क्रमशः 2, 3, 5, -1, 3, 2। ठीक, अब दिग अनुपात निकाल लेते हैं इनका, इन दोनों के बीच का दिग अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकाल लेंगे, ए व बी के मान निकाल आएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं दिग अनुपात बराबर, दिग अनुपात बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है x2 - x1, बी बराबर होता है y2 - y1, सी बराबर होता है z2 - z1। x2 - x1, देखिए x2 का मान हमारे पास -1 है और -x1 का मान हमारे पास 2 हो गया, तो ये आ गया -3। y2 का मान हमारे पास है 3 और -y1 का मान 3, इसका मतलब बराबर 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, z2 देखिए, z2 का मान दिया है 2 - 5 बराबर -3 आ गया, इसका मतलब दिग अनुपात हमारे पास क्या आ गया, a बराबर आ गया -3, b बराबर 0, कामा c बराबर -3। अब पूछ क्या रहा है, ए बी की दिक को ज्या ज्ञात कीजिए। चलिए, इसलिए ए बी की दिक कोज्या बराबर, फार्मूला हमें पता है क्या होता है, एल बराबर होता है ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान हमारे पास है यहाँ पे -3 बटे ए स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 9, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ये हो गया -3/9, 9, 18 अंडर रूट 18। एम बराबर निकाल लें, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है 0 बटे अंडर रूट 9 प्लस 0 प्लस 9, इसका मतलब 0। एन का मान निकाल लें, एन का मान हमारे पास दिया है सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब -3 बटे अंडर रूट 9 प्लस 0 प्लस 9, दिया गया -3/√18। अतः ए बी की दिक को जाए को जाए, ये तो पूछ रहा था ए बी की दिक को जाए, तो ए बी की दिक को जाए आगे, या अगर चाहो तो इसको और भी हल कर सकते हो, इसको तोड़ लो, या तो इस प्रकार कर लिया जाए, देखो 18, 2 * 9 = 18, 3 * 3 = 9 और 3। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, -3/, ये 3 बार हो गया, √2 आ गया, 3 से 3 ये कैंसिल, तो हमारे पास -1/√2 आ गया। सेम इसका भी आ जाएगा -1/√2, दिक कोज्या हमारे पास क्या आ जाएंगी, -1/√2, 0, -1/√2 आंसर।